आगरा के सिकंदरा स्मारक पर लगे पेड़ में उभरी गणेश जी की आकृति को दूर दराज से लोग देखने पहुंच रहे हैं। दरअसल थाना सिकंदरा क्षेत्र स्थित अकबर टोम्स स्मारक में आज एक पेड़ में उभरी एक आकृति को पर्यटक द्वारा गणेश जी की आकृति बताकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई और दर्जनों लोगों ने वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब वहां उड़ाने वाला पर्यटक तो वहां पूजा पाठ कर चला गया, पर लोगों की भीड़ को रोकने में पुरातत्व विभाग की हालत बुरी हो गई। लोगों के अनुसार इंदौर से आगरा घूमने आए एक पर्यटक रामचंद्र ने बताया कि रात उसे यहां गणपति के होने का सपना आया था। यहां आने पर उसी जगह भगवान गणेश की वैसी आकृति उसे दिखाई दी। पेड़ के तने में बनी भगवान गणेश की आकृति को देखकर लोग पूजा पाठ करने लगे। वहीं आग की तरह फैली इस खबर के बाद शहर के तमाम क्षेत्रों से लोग यहां पूजा करने आ रहे हैं। माई नेम इज मिसेस एस चैटर्जी, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, आज घूमने के लिए आई हूँ इधर मैं अपनी फैमिली के साथ। इट्स अ वेरी मिस्ट्रियस थिंग, इट्स अ फर्स्ट टाइम विच आई एम ऑब्जर्विंग कि पेड़ के अंदर ही ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स गणेश जी के जैसा, इट्स इट हैज कम आउट, इट्स वेरी नाइस टू सी एंड इट्स वेरी क्या बोलू, इट्स वेरी एडवेंचरस ऑल्सो एट द सेम टाइम, इट्स अ टाइप ऑफ फिक्शन, वी हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस इन द मेनली इन द स्टोरीज बट नाउ इट्स हैज बिकम अ रियलिटी। थैंक यू। वहीं मौके पर आए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने पहले लोगों को पूजा पाठ करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में भीड़ और आस्था का मामला देख कर्मचारी पीछे हट गए। फिलहाल इस मामले में पुरातत्व विभाग का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल आज भी लोगों पर अंधविश्वास का भूत इस कदर सवार है कि लोग आस्था और अंधविश्वास में अंतर न समझ कर आँख मूंद कर अंधविश्वास वाली चीजों पर यकीन करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।